हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो आप लोग किस तरह से इसे डाउनलोड करेंगे और उसमें जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है गलत है तो उस पर ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई ब्राउज़र खोल लेना है और यहाँ पर आपको सरकारी रिजल्ट लिखना है। सरकारी रिजल्ट लिख करके सर्च करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सरकारी रिजल्ट लिख के हम जैसे ही ओपन करेंगे ये आपका ऐसे खुल के आएगा। तो आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद ये देखिए ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, पूरा खुल जाएगा। उसके बाद हम करते क्या हैं, यहाँ नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे। देखिए आंसर की का ऑप्शन दिखेगा और इसके जस्ट नीचे ये UP SSC जूनियर असिस्टेंट आंसर की 2020 का ऑप्शन दिखेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट का ये खुल जाएगा जिसमें लिखा है UP SSC जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट आंसर की 2020। तो इसके हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आते हैं ये देखिए हमें दिखेगा यहाँ पे कि डाउनलोड आंसर की, और ये क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करते ही ये आपका ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आपको प्रश्न पत्र डाउनलोड करना तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न पत्र था वो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मगर हमें क्या करना है, आपका अपना रिजल्ट देखना है, आंसर की देखनी है। तो आंसर की देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा खुल जाएगा। इसमें आपको पहला है यूज़र ID, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देखिए लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसमें डालना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ इस क्रम में डालना है, जैसे आपका 14 अप्रैल है तो 14, फिर ऐसे स्लैश का स्थान लगाना है चिन्ह, और फिर 4 करके फिर 1994। तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है यहाँ पे आपको ये वाला दे रखा जो कैप्चा वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं, करके देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे 536009444 और 98। अब इसके बाद दूसरा पासवर्ड डालते हैं जैसे 14, फिर इसके बाद हम ये स्लैश वाला चिन्ह लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा, फिर 04, फिर 1994। देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए हम पहले कैप्चा देख लेते हैं, कैप्चा में क्या लिखना है, PT3CX2S। देखिए स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे PT3, और क्या है PT3 CX2S। तो CX2S ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखिए ऐसा आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और ये यहाँ पर आपका नाम आ गया, रोल नंबर आपका आ गया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। देखिए आपने कब पेपर दिया था, 4 जनवरी 2020 को। तो ये पूरा आपका डिटेल खुल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको आंसर की देखनी, पहले आपका आंसर की क्या है। तो ये देखिए ये आपको खुलेगा, इसमें आंसर की का ऑप्शन से दिखा रहा, तो इस पर आपको जाके क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सा सेट था। आपके टोटल 8 सेट थे। देखिए ये आपके 8 सेट हैं। अगर आपका AA था, AB था, AC था, AD था, AE था, इस तरह से AG, जैसे हमारा AH था, तो हम क्या करेंगे, ये AH सेट था हमारा पेपर सेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो क्लिक का ये हेयर का स्थान ब्लू कलर दिख रहा है, इस पर हम जाके इसी पे क्लिक कर देंगे। और देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे देखिए डाउनलोड होकर खुल गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर की है, इससे आप मिला सकते हो। देखो लिख रखा है कि AH का, ये है AH का सेकंड शिफ्ट का 4 जनवरी 2020 का। तो ये आपकी आंसर शीट है, इससे आप अपने जो आपको मिली थी उससे आंसर किसे आप मिला सकते हैं, आपके जो भी आंसर सही हैं या गलत हैं। अगर आपको किसी भी आंसर पे डाउट हो रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ऑब्जेक्शन कैसे डालोगे, हम उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए हम फिर से पीछे आ जाएंगे, और जब पीछे आते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा से फिर से लॉगिन करना होगा। तो हम दोबारा से लॉगिन, देखिए ये दोबारा से लॉगिन कर लिया हमने। तो इसके बाद फिर वैसा ही पेज खुल जाएगा, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्शन के लिए कहाँ पे जाना है, ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो लिखा है इस पर क्लिक आके कर देना आपको। तो जैसे ही ये क्लिक करेंगे, देखिए
यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्लस का स्थान दिख रहा है, आप इसको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करके देखेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया, उसका देखिए ये लोडिंग हो रहा है, ये खुलेगा पेज पूरा जब 100% हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है वो हम बताएंगे। देखिए ये निर्देश दिशा निर्देश दे रखे हैं किस तरह से आपको करना है, प्लस पे करना है और जिस पे पढ़ लें सही से। आपको केवल अंग्रेजी भाषा में ही आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो भी होगा वो अंग्रेजी माध्यम से ही होगा। आपको क्या करना है उसका जो भी आपको गलत लग रहा है उसका आपको फोटो खींचना है और उसका दस्तावेज़ भी सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हैं, देखिए 4 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम शिफ्ट यह आएगा, दूसरा शिफ्ट था। यहाँ पे आपको टेस्ट बुकलेट संख्या आपको चूज़ कर लेना है, कौन सा बुकलेट संख्या होगी, AE AG जो भी है आपका, AH है तो AH पे कर देंगे। और क्वेश्चन ID आपको डाल देनी, जो क्वेश्चन ID वहाँ पे पड़ी होगी वो आपको डालनी है, जो भी क्वेश्चन नंबर था, जैसे 9 नंबर मान लिया है। और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, क्या दिक्कत क्या है, गलत अस्पष्ट प्रश्न है, अगर प्रश्न गलत है, सभी विकल्प गलत हैं तो इस पर करना है। एक से अधिक सही है, मान लिया एक से अधिक सही है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिमार्क करना है, कुछ रिमार्क कर देना किस लिए आपको कैसे लग रहा है कि ये गलत कैसे है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है उस चीज़ का फ़ोटो अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट देखिए ये कैसे अपलोड होगा, यहाँ पे आना है डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ से ब्राउज कर देना है और यहाँ पे जैसे आप खोलोगे तो वही फ़ोटो आपको ले लेना है, मान लिया हम, और यहाँ से कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेंगे कैमरा से, इस तरीके से मान लिया हम ऐसे देखते हैं, पहले हम उसको स्क्रीन शॉट करके, तो इस तरह मान लिया हमें यही कुछ करना है तो इसको क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे, ऐसे इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको अपलोड होता दिखेगा, ये देखिए क्या बता रहा है, ये 400 KB ज़्यादा है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको उससे कम करना है जो इसकी, या फिर PDF में आपकी ये होनी चाहिए फाइल, तो इस तरीके से। तो आपको फिर यहाँ से क्लोज करना और आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्शन आपको लगते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करना है, और करना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन के पूरे मार्क मिलेंगे अगर वो क्वेश्चन सही होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।